पौलुस की परमेश्वर ने लगाम खींची, पौलुस के पास इतना रेवलेशन आ गया कि अपनी रेवलेशन से वो फूल ना जाए, परमेश्वर ने उसको शैतान उसके पीछे लगा दिया, उसको मुक्के मारे। यानी कोई शारीरिक कष्ट पौलुस को था, जो उसने कहा प्रभु ये शारीरिक कष्ट मेरे लिए क्यों है, परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, अब मैं इस निर्बलता में तुम्हें बढ़ाऊंगा, बस चलते जाना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन पंगों में कई बार लेके जाता है ताकि आपको ये चीजें समझा सके, आपको ये बता सके। चर्च में अगर 3-4 लाख मेंबर हैं, 4 के 4 लाख लोग सुसमाचार सुनाने वाले होने चाहिए, नहीं तो मुश्किल किसको है, उन्हीं लोगों को, क्योंकि वो नहीं समझे कि क्राइस्ट में उनका जन्म किस लिए हुआ है। पहले नबी होते थे, नबियों को परमेश्वर बोलता था, मूसा को बोलता था, नबियों को बोलता था, जाओ ये काम करो। जी उठने के बाद परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरे बच्चे हो, जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तुमको कहा खुदा ने, तुमको 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 कहा खुदा ने। आमीन। स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, कहता जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, बुढ़ापे में तेरे बेटा होगा, तेरी पत्नी जो बांझ कहलाती है वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यहूना रखना। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो बूढ़ी हो चुकी है। लूका 1:19, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, तुझसे बातें करने और सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तू गूंगा रहेगा और बोल नहीं सकेगा, क्योंकि इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बताया यो यकरिया ये सीधा सीधा रास्ता है चलने का इधर, कहता नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, मेरी तो पत्नी बहुत बूढ़ी है और मैं बड़ा बूढ़ा हूं, हम तो बच्चा हो ही नहीं। अब स्वर्गदूत कहता अब तू गूंगा रहेगा क्योंकि मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी ताकि तू बोल बोल करके मेरे हो नहीं सकता कहीं सचमुच अपनी पत्नी को बांझ ना कर दे, इसलिए तेरी लगाम को मैं खींचूंगा और तेरा मुंह बंद रखूंगा ताकि तेरे बच्चा हो जाए। और जब बच्चा हो गया उसका नाम यूहन्ना उसने लिख के दे दिया, उसकी जुबान खुल गई। हालेलुया। अब यह फैसला आप लोगों को करना है कि लगाम खिंचवा के परमेश्वर का काम करना है कि सीधे सीधे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बरकत देना चाहता हूं, आप ही की प्रेयर है मुझे बरकत मिले, आप ही की प्रार्थना है मैं छुटकारा पाऊं, आप ही की प्रेयर है मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार ब्लेस हो, मेरे बच्चे ब्लेस हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है जब तू बोएगा तू काटेगा, जब तू लोगों को बचाएगा मैं तेरे परिवार को बचाऊंगा, जब तू सुसमाचार सुनाएगा मैं तुम्हें उत्तम दाख दूंगा, उत्तम तेल दूंगा, उत्तम घराना दूंगा, सब कुछ तेरी लाइफ में उत्तम दूंगा जो तू मांग रहा है। तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।